तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बता देना। एंड यस यार, कल मैं क्यों इन वीडियो नहीं डाल पाया उसके लिए मैं बहुत ज्यादा अपसेट था, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी, सो दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो होप सो आप इस बात को समझोगे थोड़ा सा। बट आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये है अमेज़न प्राइम डे सेल के रिलेटेड। अमेज़न प्राइम डे सेल जो होने वाली है वो यहाँ पे 6 से 7 होगी। एंड ऑल्सो मैं आपको एक चीज बता दूँ, वैसे ये लगभग चालू हो गई है। चालू कैसे हो गई है? क्योंकि यार स्मार्टफोन्स के जो लॉन्चेस हैं वो शुरू हो जाएंगे एक्सक्लूसिवली अमेज़न के ऊपर, और इनकी सेल्स भी अमेज़न के ऊपर ही होने वाली है। एंड डेफिनेटली ये जो नए फोन्स हैं आपके लिए काफ़ी बढ़िया होने वाले हैं। और मेरे को आए दिन लोग पूछते रहते हैं नए फोन्स कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं हम, कब आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो फोन्स हैं डेफिनेटली अमेज़न के ऊपर कोई डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं होगा, बट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे आप इन नए फोन्स के ऊपर अच्छे ऑफर्स पा सकते हैं, डिस्काउंट्स पा सकते हैं, और अगर आप इसके एलिजिबल हुए इसके लिए तो डेफिनेटली आपको एक बढ़िया स्मार्टफोन मिल जाएगा। नहीं तो ये जो नए फोन्स हैं अगर आप इनको पूरे MRP पे भी खरीदते हो, मतलब जो ये सेट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। तो चलिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस अमेज़न सेल को मैं आगे भी कवर करने वाला हूँ। कौन से फोन्स अच्छे होंगे, कौन से नहीं, मैं आपको बताता रहूंगा। सबसे पहला फोन जो कि आपको देखने को मिलेगा, Redmi Note 9 12,000 रुपए में अब पहले ही मिल रहा है। बट जो लोग रेड कलर वेट कर रहे थे कि स्कारलेट रेड जो कि यार वो फोन अभी तक नहीं देखने को मिला था, तो वो हमें देखने को मिल जाएगा इस Amazon Prime Day के ऊपर। और ये आपको देखने को मिलेगा G85 5000mAh बैटरी विद 18W का चार्जर, तो ये सॉरी 22.5W का चार्जर, जहाँ पे काफ़ी अच्छा ये फ़ोन निकल कर आता है 12,000 रुपये में। अगर हम इसे कंपेयर ना करें Realme 6i के साथ जो कि धमाका ही था, बट अगर आप Redmi Note 9 लेना चाहते थे और चाहते थे रेड कलर, तो यार इस Amazon की सेल की आप वेट कर लो। एंड डेफिनेटली ये फ़ोन जो है वो आप पिक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 12,000 में अगर आप इसे ले रहे हो तो आपका पैसा डूब नहीं रहा है। Honor 9A भी आपको देखने को मिल जाएगा 6 तारीख को फ्लैश सेल के अंदर। ये फोन 10,000 की जगह 9,000 में देखने को मिलेगा, तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। बट यहाँ पर हीलियो P22 प्रोसेसर एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज रहेगा इस बजट पे। बट यहाँ पर आपको 3+64GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, और 5000mAh की बैटरी विद VIP सर्विसेज फ्री रहेंगी, और साथ में ट्रिपल कैमरा सेटअप जो कि काफ़ी डिसेंट कैमराज के साथ आता है। अब यहाँ पर जिनको गूगल सर्विसेज का इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, साइड लोड ऐप्स कर सकते हैं, तो वो ये फ़ोन ले सकते हैं। जिनको नॉर्मल यूजेज के लिए फ़ोन लेना है वो मत लेना, जिनको हैवी गेमिंग वगैरह करनी है वो तो मत लेना। बट अगर आप नॉर्मल यूजेज के लिए सोच रहे हो और बाकी कोई फ़ोन नहीं ले पा रहे, ये आप फ़ोन देख सकते हो, साइड लोड करनी पड़ेंगी ऐप्स, क्योंकि इसमें ऑनर का अपना जो ऐप गैलरी है वो देखने को मिलता है। Samsung Galaxy M31s, ये जो फोन है मैं खुद खरीदने वाला हूँ, और आपको भी अगर सजेस्ट करूँ तो कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं कहूँगा आप वीडियोस देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट अगर आप चाहते हो नहीं अभी लेना ही है तो ये आप फ़ोन ले सकते हो। पर ये गेमर्स के लिए फ़ोन नहीं है, ये कैजुअल गेमर या फिर एक नॉर्मल यूजेज के लिए, जो मीडिया कंटेंट ज़्यादा देखते हैं उनके लिए, या जिसको बैटरी बहुत ज़्यादा चाहिए उनके लिए, क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले है सेंटर पंच होल के साथ। इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है 6000mAh का बैटरी बैकअप विद 25W का फास्ट चार्जर, और यहाँ पे 64MP क्वाड कैमरास मिलते हैं विद इंटेलिजेंट कैमरा फीचर। नेक्स्ट फोन जो आता है वो है OnePlus Nord, पहली बार सेल में जाने वाला है, और ये जो OnePlus Nord है वो आपको मिल जाएगा काफ़ी खूबसूरत फीचर्स के साथ, जहाँ पर सुपर एमोलेड भी होगा, जहाँ पर आपको डुअल पंच होल भी देखने को मिलेगा, 90Hz का डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 765G भी देखने को मिल जाएगा। पहला 5G फोन इंडिया में, मतलब चीपेस्ट 5G फोन इंडिया में कह सकते हैं, और मे बी चीपेस्ट OnePlus फोन कह सकते हैं इंडिया में, तो आप इसके लिए इसको देख सकते हो। 28,000 में देखने को मिलेगा, 25,000 वाले वेरिएंट अभी नहीं आना है। बट ये फ़ोन वैसे मैं अगर कहूँ, अगर मेरा फेवरेट पिक क्या होगा अंडर 30,000, तो वो है Realme X2 Pro और Realme X3। बट जिनको सुपर एमोलेड विद 90Hz विद स्नैपड्रैगन 765G Realme X2 Pro किसी कारण ना पसंद आया हो, तो आप ये फ़ोन ले सकते हो, क्योंकि मेरे को इससे ऊपर X2 Pro ज़्यादा अच्छा लगता है। एक पॉइंट है जो कि Nord को बढ़िया बनाता है, वो है ऑक्सीजन OS, द बेस्ट OS एवर। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको फ़ोन बता दूँ, वो लॉन्च होने वाला है, पूरा Amazon के ऊपर छप चुका है, Redmi 9 Prime, ये भी अवेलेबल रहेगा इस प्राइम डेज के अंदर। और भाई साहब 4 अगस्त को ही लॉन्च हो रहा है, 4 अगस्त को लॉन्च होगा, प्राइम सेल में शायद आ जाएगा। एंड ये जो फ़ोन है ना, पूरे रूमर्स में है कि इस प्राइम सेल में रहेगा, बट इसमें आप इसको पता नहीं यार, अभी नहीं पता ये कितने प्राइस पे आने वाला है, क्या स्पेक्स लाने वाले हैं। मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट Redmi 9 Prime, आप वेट कर सकते हो।
अब मैं बता दूं इन फोन्स को आप कैसे थोड़े से अच्छे ऑफर में ले सकते हो, तो वो है यहाँ पे अगर आपके पास HDFC का कोई भी कार्ड है डेबिट क्रेडिट, तो वहां पर आप यहाँ पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हो, यानी कि अगर 10,000 का फोन है तो वो वहां पर आपको 9,000 का पड़ जाएगा, तो ये एक फायदा है। और दूसरी चीज, 12 महीने की आप EMI नो कॉस्ट EMI ले सकते हो, तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। इकट्ठा पैसा नहीं देना चाहते तो यहाँ पर आप EMI करवा सकते हैं। बाकी यार सब कैशबैक रिवॉर्ड्स भी रहेंगे इन प्राइम डे स्पेशल के, तो ये सारे के सारे नए लॉन्चेस जो कि आपको देखने को मिलने वाले हैं विद सम बढ़िया कैशबैक्स या डिस्काउंट्स जो कि हर एक डिवाइस के ऊपर रहने वाला है विद HDFC कार्ड। बाकी यार आने वाले टाइम में मैं एक दो दिन में मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन्स और वर्स्ट स्मार्टफोन्स की वीडियो लेकर आऊँ, जहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कौन से फोन लेने हैं कौन से नहीं लेने ओवरऑल पुराने फोन्स में से, तो डेफिनेटली उसका वेट जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने चैनल वाले रखिए ख्याल की स्माइलिंग ऑलवेज, चेक यू गाइस, लव यू, बाय बाय।